जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में आपका स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिख लें, ताकि आपको हमेशा नई जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या का आप समाधान पा सकते हैं एक छोटे से उपाय से, छोटी सी चीज़ से। तो हमें वो उपाय क्या करना है, उस पर हम बात आज करने वाले हैं पूरे ओवरऑल इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट्स में आप लिख देंगे, मुझे इस प्रकार की परेशानी है, क्या इस परेशानी के लिए ये उपाय कारगर है या नहीं। जो भी आपकी परेशानी हो, शादी नहीं हो रही है, स्वास्थ्य संबंधित हो, विवाद हो, कोर्ट केस हो, जो भी। पहली बात है कि कोई सी भी आपकी, आपने जो भी कमेंट किया हो, कोई सी भी बात कही हो, चाहे विवाह, स्वास्थ्य, पारिवारिक विवाद, कोर्ट केस, कलेश, पति पत्नी के बीच कुछ भी विवाद हो, तो आपके जो भी इष्ट देवता हैं, चाहे आप हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, गणपति जी को मानते हो, इनका जो मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हुआ, ओम गणेशाय नमः हुआ, श्री राम, जय जय राम हुआ, ऐसे तमाम मंत्र हैं, या गायत्री मंत्र कहूँ या महामृत्युंजय मंत्र कहूँ, इनका जाप हमें 125,000 बार करना है। जो भी आप एक मंत्र ले लीजिए, उसका 125,000 बार जाप करिए। ये जाप करने से आप पूछेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, और ये तो बिल्कुल अनर्गल है। अभी मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस कलयुग में जाप के अलावा आपके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल ये जो समय चल रहा है, इस समय में ईश्वर का जाप जो है, वही आपकी सच्ची पूंजी है, वही धन है, वही आपके सच्चे पुण्य है। तो आपको करना है कंटिन्यू जाप करना है। देखिए, जाप के लिए आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई समय करना है, आप खड़े हैं, बैठे हैं, उठते बैठते कभी भी उस छोटे से मंत्र का, छोटा रहे ताकि आप आसानी से उसे बार बार ले पाएँ। जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, सबसे आसान हो गया, ओम गणेशाय नमः हो गया, श्री राम, जय जय राम या श्री राम हो गया, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बस ऐसा मंत्र है, कोई भी आप पकड़ लें, 125,000 बार उसे करें। अब 125,000 बार आप गिन तो नहीं पाएंगे, तो गिनने में उलझिए मत। आप कंटिन्यू, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, इतने दिन, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप बस उसको एक हैबिट में, अपनी आदत में उसे बना लें, और जैसे आप बना लेंगे और जैसे उसके परिणाम हमें मिलने लगेंगे, बहुत चौंकाने वाले परिणाम मिलेगा आपको। उसके फ़ायदे आप देखिए, आप बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। जो लोग आपसे मनमुटाव था, वो ऑटोमेटिकली आपसे फ्रेंकली होने लग जाएंगे, और माहौल जो है हमारा आसपास का वातावरण, आवरण जो हमें बड़ा खिन्न सा लगता है, जीने में मज़ा नहीं आता, वो सभी चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे, आपको जीने में मज़ा आएगा। जब ईश्वर का स्मरण, वो शक्ति है कि जो इस दुनिया में हमें सब कुछ दे सकती है, जिसके जितने अच्छे जप होंगे उतना अच्छा जीवन होगा, और उसको केवल वो स्वयं महसूस कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके राय कमेंट्स में कर दीजिए। जय श्री महाकाल।